और निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 1 के पार्षद चुनाव के दौरान विधायक राकेश गिरी और पूर्व मंत्री यादव सिंह के बेटे आपस में भिड़ गए। बीजेपी विधायक और कांग्रेस के पूर्व मंत्री के बेटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। तो वार्ड नंबर 1 में ये लड़ाई हुई, विधायक और पूर्व मंत्री के बेटे में विवाद हुआ, जिसके बाद काफी झड़प यहां पर हुई है। मतदान के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था, पुलिस बल मौके पर मौजूद। वार्ड नंबर 1 में ये घटना सामने आई, जहां पर विवाद बढ़ा है और दो पक्षों में यहां पर मारपीट तक की नौबत पहुंची है। तो मतदान के दौरान ये विवाद हुआ, पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वार्ड नंबर 1 में ये लड़ाई हुई है, विधायक और पूर्व मंत्री के बेटे में विवाद। तो निकाय चुनाव का दंगल तेज होता हुआ और अब मतदान खत्म हो चुका है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, संरो पटेल, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संरो जी, आपका स्वागत है। और जिस तरह से अब 5 बज गए हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है, कहीं कहीं आंकड़ा बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो क्या कुछ मायने आप लगाएंगे? देखिये गीतु जी, ये बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो आज लगभग 72 साल से भी ज्यादा पुराना है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ऐसे देश में, हमारे भारतवर्ष में, किसी भी कारण से अगर मतदान का प्रतिशत कम होता है, वोटिंग कम होती है, चाहे अति वर्षा हो, चाहे पर्चियों के बांटने में कुछ कमी रह गई हो या अन्य जो भी विषय हो, तो ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए, सभी बुद्धिजीवियों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, समाज के लिए चिंता का विषय है। और आज आपने देखा कि जिस प्रकार से आज सुबह कई शहरों में तो पानी ऐसा बरस रहा था कि भरमार पानी बारिश हो रही थी, उसके बावजूद लोगों में उत्साह बना, लोग अपने मत का उपयोग करने निकले और लोगों ने अपने मत का उपयोग किया और उसी कारण से आज हमारे सामने यह स्थिति है कि हम एक अच्छे वोट प्रतिशत की तरफ जा रहे हैं। और जो आंकड़े अंत में हमारे पास निकल के आएंगे, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े रहेंगे। इसलिए मैं आज मध्य प्रदेश की जनता को और हमारे जहां जहां चुनाव हो रहे थे उन सारे मतदाताओं को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। आप सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों के जन जागरण का भी एक कारण उसमें शामिल है कि आपके जन जागरण के कारण से भी ये परिस्थिति बनी। जी सनवर जी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं पहले चरण का जो मतदान हुआ था, वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था, लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, कहीं सत्ता परिवर्तन का संकेत तो नहीं है? नहीं गीतू जी, देखिए ये तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना ही चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से इस प्रयास में रहती है कि अधिकाधिक लोग अपने मत का उपयोग करें। आप देखिए कि आज भी सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने सबसे पहले ये कहा है कि आज चूंकि गुरु पूर्णिमा है, हम सब लोग अपने अपने गुरुजनों से मिलने जाएंगे, तो उसमें भी पहले अपने मत का उपयोग कर जाएं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी आज बयान आया है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से ये प्रयासरत रहती है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, अधिकाधिक लोग तो अपने मतों को डाले और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करे। और यही डेमोक्रेसी की सुंदरता है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि अधिकतम लोग वोट डालें और उसमें से उनका जनप्रतिनिधि निकल कर आए।